साल 2024 वृषभ राशि वाले कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा? क्या इस साल ये लोग अपने बिजनेस को और बढ़ा पाएंगे? क्या इस साल बड़ा निवेश आपको फायदा पहुंचाएगा या फिर पिछले साल की तुलना में आपका कारोबार और सुस्त हो जाएगा? आइए सब कुछ आपके लिए जान लेते हैं। पनी जी, देखो, यदि आपकी वृषभ राशि है तो 2024 की शुरुआत वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इतना अच्छा रहने वाला है कि उसके लिए शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि दशम भाव में शनि की स्वयं उपस्थिति अपने मूल त्रिकोण राशि में है। अगर आप लोहे का, कोयले का, पेट्रोल का, खनिज का, गैस का, वाहन का व्यवसाय करते हैं तो आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। हाँ, नए साल की शुरुआत में शुक्र और बुध जो है ये सातवें भाव में हैं और ये थोड़े दिनों के मेहमान हैं। आपके बारहवें भाव में बृहस्पति है व्यय के स्थान में, शनि आपके आजीविका के स्थान में और राहु आपके एकादश भाव में। ये ट्रांजिट कितना अच्छा है जरा सोचिए। तो कारोबार के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा ही, लेकिन हाँ, ये बृहस्पति जो बारहवें भाव में है अप्रैल तक, आप कुछ धार्मिक खर्चे कर सकते हैं। धार्मिक खर्चा करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर्ज लेकर के धार्मिक कार्य ना करें। आप अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ करके दिखावे में आकर के धार्मिक कार्य ना करें। जो आवश्यक है वही करें और दिखावे में आकर के फिजूल खर्ची करके आप कल आर्थिक संकट में पड़ जाएं, ये उचित नहीं होगा। अगर आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो आपको लाभ मिलेगा। वो लोग जो साझेदारी में कारोबार नहीं करते हैं उनके लिए साल की शुरुआत तब भी अच्छी रहेगी। मार्च से अगस्त 2024 के बीच वृषभ राशि के कारोबारियों को थोड़ा सा हर निर्णय सावधानीपूर्वक लेना चाहिए। कारोबार या किसी नए काम में निवेश संभल कर करना होगा। किसी को सोच समझ करके पैसे उधार देने होंगे। कारोबार शुरू करने के लिए कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या लीज पर ले रहे हैं तो कानूनी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। मार्च से अगस्त के बाद समय स्थिर होने लगेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। 2024 में विदेशी संपर्क में शुरू किया गया कारोबार आपको लाभ पहुंचाएगा। 1 मई 2024 के बाद कारोबार के लिए आपके फैसले लाभदायक साबित होंगे और सफलता दिलाएंगे। 2024 में आपके परिवार का कोई अहम सदस्य भी आपके कारोबार से जुड़ सकता है। देखिए, आपको करना ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको करना ये है कि आप हर शनिवार की शाम एक दिव्य पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर लगाइए और उनको सिंदूर और चमेली के तेल का टीका लगाइए और घी का दिया जला के शनिवार की शाम साफ वस्त्र पहन के पूर्व दिशा में मुंह करके सुंदर कांड का विधिवत पाठ करिए। लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए। अगर लड्डू नहीं खरीद सकते हैं तो बताशा और तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए, पूरे परिवार में वो प्रसाद बांटिए। अगर पूरे साल आपने सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो आप विश्वास मानिए, आप भाग्य के अमीर माने जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।